हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर डेफिनेशन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशन इन विच द बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो सेक्शन 2 सब क्लास एच ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 डिफाइंस द टर्म कंप्लेंट. व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this Sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. So whenever the person made any kind of allegation, whether it may be the oral allegation or in written allegation, if he is making a complaint alleging that someone has committed an offense and that particular oral or written statement is before the magistrate, that is called a complaint. But it does not include a police report. But police report नहीं, police report मतलब होता है charge sheet. एक बार ध्यान में रखिए, जो complaint की definition है वो complaint कैसी हो सकती है, complaint oral भी हो सकती है, complaint writing में भी हो सकती है. अब क्या हो रहा है कि किसी भी तरीके का किसी पर्सन पे कोई इल्जाम लगाना, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, जिसको हम जानते हैं वो हो या जो अजनबी है वो हो. सपोज मेरे अगेंस्ट में किसी ने कोई एक्ट किया, वो जो ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने मारा, अब वो नोन है या अननोन है, वो मैं उसको जानता हूं या वो अजनबी है, दोनों सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, एक तो लिखित रूप में या ओरली किसके सामने जाकर कहूंगा, मैं अगर मैं मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर कह रहा हूं कि ये पर्सन ने मुझे मारा है और आप इसके अगेंस्ट में एक्शन लीजिए, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है, चाहे ओरल हो या रिटर्न फॉर्म में हो, ये कंप्लेंट के डेफिनेशन में आएगा. बट कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं कहते, पुलिस रिपोर्ट को हम चार्जशीट भी कहते हैं, एक बात ध्यान में रखिए. अब इसेंशियल्स ऑफ कंप्लेंट क्या है देखेंगे हम. It is an allegation made with reference to the commission of any act. Whatever the allegation made by the person, that allegation must have a reference to the commission of any act. कुछ ना कुछ किए हुए का से related allegation होना जरूरी है. मैं इल्जाम क्या लगा रहा हूं कि ये person ने मुझे मारा, तो ये उसका जो मारना है वो act है. तो allegation किसी के act के चलते होना जरूरी है. That is the first essential of complaint. सेकेंड वन इज सम पर्सन नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस. अब बात ध्यान में रखिए कि हम जाकर ये हमको कहना पड़ेगा कि ये पर्सन है जिसका नाम हम ले सकते हैं, तो वो नोन पर्सन हो गया, या अननोन पर्सन ने मेरे अगेंस्ट में ये एक्ट किया. हम किसी ना किसी पर्सन को लेकर कंप्लेंट करना पड़ेगा, चाहे वो नोन रहो या अननोन रहो. अगर उसमें पर्सन नहीं है तो वो कंप्लेंट नहीं होगी. डेफिनेटली हमको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे पर्सन ने ऑफेंस किया, नोन है तो नोन, अननोन है तो अननोन. तो ये भी एक इसेंशियल है कंप्लेंट का. नेक्स्ट वन इज एलिगेशन मे बी ओरल और इन राइटिंग. अब जो भी एलिगेशन हम कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने, हम वो रिटर्न में भी कर सकते हैं या ओरल भी कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटर्न में ही होना जरूरी है, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो ओरल में होना है. हमारे मन पर है, हम चाहे ओरली जाकर मैजिस्ट्रेट को बताएंगे सारी रुदात और मैजिस्ट्रेट उसको लिखेगा, या हम रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं. तो एलिगेशन कैसे होना, इल्जाम हम रिटर्न में भी दे सकते हैं और लगा सकते हैं, और ओरल भी. कंप्लेंट मस्ट बी मेड टू द मैजिस्ट्रेट. बात ध्यान में रखिए कि हम जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने अगर जाकर लगा रहे हैं, कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने हो सकती है, पुलिस ऑफिसर के सामने कंप्लेंट नहीं हो सकती है. कीप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन योर माइंड. मैजिस्ट्रेट के सामने ही कंप्लेंट होगी, मैजिस्ट्रेट पुलिस के सामने कंप्लेंट नहीं होती है. तो मैं जाके मैजिस्ट्रेट के सामने कहूंगा कि ये पर्सन ने मेरे अगेंस्ट में ऑफेंस किया, तभी वो कंप्लेंट होगी. अगर मैं पुलिस के सामने जाकर कह रहा हूं तो वो कंप्लेंट
नहीं होगी। पुलिस ऑफिसर इज नॉट द मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट नहीं है, इसलिए पुलिस ऑफिसर के सामने हम जाकर एलिगेशन लगाएंगे किसी पर्सन के अगेंस्ट में तो वो कंप्लेंट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। वो एक तो FIR हो सकता है या NCR हो सकता है, बट वो कंप्लेंट नहीं। कंप्लेंट कब होगी? मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर हम किसी के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाते हैं, वो ओरल हो या रिटन फॉर्म में हो, वही कंप्लेंट कहलाएगी, अदरवाइज नॉट। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ टेकिंग एक्शन अंडर BNSS, मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मजिस्ट्रेट के सामने किसी पर्सन पे एलिगेशन लगाने का ऑब्जेक्ट क्या है? कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि टेकिंग एक्शन अंडर BNSS, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हम मजिस्ट्रेट को जाकर ये बता रहे हैं कि ये पर्सन ने हमारे अगेंस्ट में ऑफेंस किया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चलते उसके अगेंस्ट में एक्शन ली जाए। हम जाकर ऐसा ही टाइम पास के लिए एलिगेशन नहीं लगा रहे, हमारा ऑब्जेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर एलिगेशन लगाने का ये है कि मजिस्ट्रेट से हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मजिस्ट्रेट उस पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन ले BNSS के हिसाब से। अगर ये सारी चीजें इसेंशियल्स आते हैं तभी वो कंप्लेंट कहलाएगी, अदरवाइज नॉट। अब देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2H में, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेनेंट। सपोज इफ द पुलिस ऑफिसर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, but meanwhile while investigating the matter the police officer come to conclusion that the offense committed by the person was not a cognizable one but it was a non cognizable, and suppose if now the police officer is reporting the matter to the magistrate that the accused has committed a non cognizable offense, then under such a circumstances that report which is made by the police officer to the magistrate regarding the non cognizable offense it will comes under the category of complaint and such police officer shall be deemed to be a complainant। baat dhyan mein rakhiye ki police officer ne cognizable offense ko lekar इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस ऑफिसर को यह समझ में आया कि जो ऑफेंस हुआ है वो कॉग्निजेबल नहीं है बल्कि नॉन कॉग्निजेबल है, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट वो मैजिस्ट्रेट को करेगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन ये मैटर कर रहा था और ये मैटर तो नॉन कॉग्निजेबल निकला। अब ये रिपोर्ट उसने किया किसको? मैजिस्ट्रेट को किया, तो ये जो रिपोर्ट वो मैजिस्ट्रेट को कर रहा है वो कंप्लेंट के डेफिनेशन में आएगी और वो पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 2H का। अब महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है BNSS पे भी, कंप्लेंट मींस, क्योंकि डेफिनेशन में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। कंप्लेंट मींस अ पुलिस रिपोर्ट, a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non cognizable offense, a complaint made to a officer in charge of a police station, none of the above। agar hum ye dekhe to yahan par humne jo explanation dekhe the to explanation mein clearly bataya hua hai ki report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non cognizable offense is a complaint, to option b second option is a correct one। another question 2016 JMFC में पूछा गया है, ऐसा ही क्वेश्चन BNSS पे भी पूछा जा सकता है। कंप्लेंट मींस एलिगेशन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट फॉर टेकिंग एक्शन दैट सम पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, एलिगेशन मेड टू पुलिस स्टेशन ऑफिसर दैट सम पर्सन कमिटेड ऑफेंस, सच एलिगेशन मेड टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबो। तो अगर हम देखें कि कंप्लेंट का मतलब ऐसे एलिगेशन जो मैजिस्ट्रेट को किए हुए रहना जरूरी है, तो यहां पर एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट, तो ऑप्शन वन इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर। अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन विच में बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 डिफाइंस द टर्म कंप्लेंट, सो सेक्शन 2E, 2G, 2F और 2H, सो सेक्शन 2H इज अ करेक्ट आंसर, तो सेक्शन 2H इज अ करेक्ट आंसर। अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन, कंप्लेंट कैन बी मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैजिस्ट्रेट, ऑल ऑफ द अबो। तो अगर हम देखें तो कंप्लेंट मस्ट बी मेड टू अ मैजिस्ट्रेट, सो मैजिस्ट्रेट इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट विच वी हैव डिस्कस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर